जिस तरह जंगल का राजा शेर है, पानी का राजा मगरमच्छ, बिल्कुल उसी तरह आसमान की अगर बात की जाए तो पक्षियों का राजा बाज है। और जब इसे भूख लगती है तो वो किसी भी तरह के जानवर को अपना शिकार बना लेता है, और यही मैं आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, ईगल वर्सेस लिजार्ड। यहाँ पर एक मोनिटर लिजार्ड जंगल से गुजर रहा था, लेकिन तभी महाराज की नजर इसके ऊपर पड़ गई और महाराज को लगी थी भूख, जिसके चलते उन्होंने उसे ही अपना खाना बनाने की सोची और बिना देरी किए उसके ऊपर हमला भी कर दिया। वो उसकी पीठ के ऊपर आ बैठता है, और बाघ के नाखून के बारे में तो शायद आप लोग जानते ही होंगे कि ये कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और इसी की मदद से वो मॉनिटर लिजार्ड को चीरना फाड़ना शुरू कर देता है। और कुछ ही देर बाद वो मॉनिटर लिजार्ड को पूरे तरीके से चीर फाड़ कर हजम कर जाता है। दोस्तों, बाज एक ऐसा पक्षी है जो कि पानी के अंदर घुसकर भी बड़े ही आसानी से वापस उड़ान भर सकता है, क्योंकि शायद इसकी पंखों में हद से ज्यादा ताकत भरी है, और यही कारण है कि वो पानी में मौजूद मछलियों को भी बड़े ही आसानी से उठा ले जाता है। लेकिन यहाँ पर मौजूद इस बाज ने तो एक सांप को ही उठा लिया। दोस्तों, दरअसल जिस तरह धरती पर सांपों की काफी सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, बिल्कुल उसी तरह काफी सारे ऐसे सांप भी मौजूद हैं जो कि समंदर में पाए जाते हैं, और उन्हीं में से एक सांप को इसने उठा लिया और उठाकर अपने घोंसले में लेकर जाता है और अपने बच्चों को खिलाने लगता है, और उसके बाद खुद भी बड़े ही मजे से खाता है। दोस्तों, ये वो पक्षी है जो दूसरों के बच्चों को भी नहीं छोड़ता, और यही कारण है कि अक्सर अन्य पक्षियों के घोंसलों में जाकर ये उनके बच्चों पर भी हमला कर देता है और उन्हें अपना शिकार बनाकर खा जाता है। यहाँ पर हम एक ऐसे बाज को देख सकते हैं जो कि नदी किनारे घूम रही बतकों पर हमला करके उनमें से एक बतक को उठा लेता है और किनारे पर ले जाकर उसके पंख उधेड़ने लगता है। वो बतक अभी भी जिंदा है, लेकिन उसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि इसे दर्द हो रहा है या नहीं, या फिर उसके शरीर से खून बह रहा है। वो उसे अपना शिकार बनाकर पेट भरकर वहां से चला जाता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि इसकी पंखों में हद से ज्यादा ताकत होती है, और यही कारण है कि वो खरगोश जैसे बड़े शिकार को भी अपने पंजों में दबोचकर बड़े ही आसानी से उड़ जाता है और उन्हें कुछ ऊंचाई से गिराकर मार डालता है, और उसके बाद वो उसे अपना शिकार बनाकर खा जाता है। और ऐसा ही हम लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं, जहाँ इस खरगोश ने भी अपनी जान गंवा दी। ये तो कुछ भी नहीं, अगर देखा जाए तो ये वो पक्षी है जो कि उड़ती चिड़िया को भी अपना शिकार बना लेता है। उदाहरण के तौर पर आप लोग इस वीडियो को भी देख सकते हैं।